राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट केंद्रीय बैठक में लिए गए निर्णयों का स्वागत किया है। इसके अलावा सीएम योगी ने जनहित में लिए गए सभी फैसलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा कि अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए सतत समर्पित पीएम मोदी ने अपने दृढ़ नेतृत्व में कृषि क्षेत्र को निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर किया है। इस क्रम में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए रबी फसलों गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय है। इसके तहत ही सीएम योगी ने केंद्रीय कैबिनेट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के किए गए निर्णयों को अभिनंदनीय बताया। सीएम योगी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत मूल वेतन पेंशन की 50% की मौजूदा दर से 3% की वृद्धि का निर्णय अभिनंदनीय है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वाराणसी में गंगा नदी पर रेल से सड़क पुल निर्माण को स्वीकृति देने पर भी आभार जताया। सीएम ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में पावन नगरी काशी विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है।